क्वेश्चन नंबर एक, प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप, ऑप्शन डी कुश द्वीप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर दो, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रीक। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत का समय किस शहर के समय के अनुसार चलता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर चार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम्स में कितना अंतर है? ऑप्शन ए 5 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी 5 घंटा 40 मिनट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 घंटा 30 मिनट, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,516 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1,200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर छः, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,124 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3,412 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सात, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,256 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,204 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2,758 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2,933 किलोमीटर।